माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो आप लोग मेरे देख के समझ तो गई होगी मैं कहाँ जा रही हूँ, वृंदावन। आज है 22nd और आज हम अभी निकल रहे हैं वृंदावन के लिए और हम होली खेलने के लिए जा रहे हैं प्यारी जी के साथ। ऑल्सो मैंने लास्ट जो अपना वृंदावन का ब्लॉग डाला है उसका पार्ट टू, मतलब सेकेंड डे का मैंने ब्लॉग अभी नहीं डाला है, तो मैं सारे ब्लॉग्स अब बैक टू बैक डालूंगी। ऑल्सो देर इज़ वन प्रैंक वीडियो कमिंग ऑन माई चैनल वेरी सून, सो स्टे ट्यून्ड। वृंदावन जाके आपको वहाँ की होली दिखाती हूँ, क्योंकि जैसे कि सब जानते हैं वहाँ की होली कितनी प्रसिद्ध है। तो होप फॉर द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड। अरे 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 अरे, मैं एक बात तो बताना भूल ही गई। अभी मम्मी गई हैं बाहर नानी और नाया को लेने और हमारे साथ जा रही है पल्लवी, उसकी बहन, उसकी दादी एंड मैं, मम्मी, नानी और इनाया। तो आप सभी को इनाया से भी मिलवाती हूँ। इनाया ने मेरे व्लॉग्स लास्ट करे हैं तो सब उसको जानते ही हैं कि वो कितने, मतलब इतने अच्छे से व्लॉग करती थी, क्यूट लगती है व्लॉग करते हुए। सो मैं आपको उससे भी मिलवाती हूँ। तो एंड तक सारा व्लॉग देखना, बीच में स्किप मत करना क्योंकि होली का व्लॉग है। सो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आ चुकी है तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग चैनल। मैंने इसकी चोटी कर रही है क्योंकि इसके बाल चोटी में खराब होगी। हाँ, और ये मैंने थ्री डेज के लिए कैंडीज लिए और आज पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। पता नहीं प्यारी जी मंदिर, मुझे पता और घुस जाओ नाली फोन में। तुम आज कैनवस से नहीं ब्लॉक कर रहे, वैसे हम हर बार कैनवस से ही ब्लॉक करते हैं ना गाइस। हाँ, निकल चुके हैं दीदी, खड़ा हुआ है। हम पेट्रोल पंप पहुँच चुके हैं एज यूजुअल, द सेम पेट्रोल पंप एवरी टाइम। ये सेम और मुझे यहाँ पे थोड़ा धूप लग गया है। शक्ल दिखाओ आप अपनी। मैं बहुत डाल बहु आ गई, डाल लेती बहु आ कर लेती अपने जेट से। बहु आ गई, बहु जेट खड़ा है सामने, देखिए ना जेट है मेरा लाल वाला पेट्रोल पंप। मेरा जेट आ गया यहाँ। वो लग रही थी प्यास, इसको कुछ पीना था, इसलिए मैंने ले लिया फैंटा। और फैंटा लेने के लिए तो साथ ही आ रहे हैं और अभी काय बाल भागने वाले दीदी। रो रही है आप देख लो, ये जो लड़की ब्लॉग करती है ना ये रोती भी है देख लो। अब हम पहुंच चुके हैं होटल और ये है वैष्णो माता मंदिर के पास और यहाँ पूरे में खेती खेत है। बहुत धूप है पर बहुत ज्यादा। आ चुके हैं और होली पे बहुत हैवी डिमांड होटल की, तो हमें जो होटल मिला हमने वो ले लिया, पहले से ही प्री बुक करा लिया था क्योंकि बिल्कुल भी कोई भी होटल जो थे वो अवेलेबल ही नहीं थे यहाँ पे। और अभी हम रूम में आ चुके हैं, मेरी नाया और आप हमारे पसीने देख सकते हैं, हम दोनों के ज्यादा ही पसीने आ गए क्योंकि गाड़ी में पता ना क्या चल रहा है। और दूसरे रूम में पल्लवी, उसकी दादी और उसकी बहन है और इस रूम में मैं, मम्मी, नानी और नाया। हम सोने वाले हैं, आजू बाजू में हम सोने वाली है और नानी भी वही सोने वाली है और मैं निक्की दीदी के साथ सोने वाली हूँ ताकि उनको अलोन फील ना हो, है ना। अरे मेरा कुच्ची, मेरी कुच्ची है ना। वैसे हाँ। तो हमने डिसाइड कर लिया मेरे ऑलवेज क्योंकि मैंने आइडिया लगाया था ना। मैं रेडी हो चुकी हूँ दोबारा से मुँह हाथ धो के और यार मैंने कुर्ती पहनी है कॉटन की बिकॉज यहाँ होली खेल रहे हैं तो यू नो क्यों। और अभी हम रेडी होके सारे जा रहे हैं बिहारी जी मंदिर, नहीं अभी बिहारी जी मंदिर तो नहीं जा रहे, अभी पहले दूसरे मंदिर जाएंगे फिर हम बिहारी जी मंदिर शहरात्रि के टाइम जाएंगे क्योंकि जो मैं इतने दिन से बना रही थी, जो मैं इतने दिन से बना रही थी 12 दिन से, वो कम्प्लीट हो चुका है। और वो क्या है वो दिखाऊँगी, जो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करते हैं दिन नो कि मैं क्या बना रही थी, तो वो भी मुझे देने जा रही है। तो आगे आगे पूरा ब्लॉग देखते रहो। और ये हाँ ये नहीं आया और इसे एक इसे फ्रेंड मिल गई है यहाँ पे खेलने के लिए। और मुझे गंदा मत बोलो और ये वाला इसने भी चीता लगाया है सुंदर सा देखो। और आप बिल्कुल ये वाला बटन मत प्रेस करना, ये वाला मतलब और लाइक एंड सब्सक्राइब यू गो। ये भी तैयार हो गई, कैसे लग रही गाइस में सुंदर हमेशा की तरह। ये बच्चों को लेना, इनको तो ले चले, इन्हें
गाइस हो रहा वीडियो लिया मेरे भगत हो रेड लगा देना गए चाय पीने आए वो जो शादी हुआ है तो देख सकते हैं जैसे ठाकुर जी को केसरिया कर देते हैं केसर के रंग से ऐसे ठाकुर जी का केसर युक्त हो रहे हैं। राधे राधे जय बिहारी जी की राधा रानी जी ग्यारह बज रहे हैं गाइस 11:12 तो अभी हम जस्ट नहा धो के फ्रेश हो रहे हैं 12 बजे और इनमें से कोई भी मुझे व्लॉग नहीं करने देगा। 12 बज रहे हैं ऑलमोस्ट बज रहे हैं और हाँ 11:30 हो रहे और अब ये कर लो पहले गाइस मैं अभी नहा के अभी तुमने देखा ही कि ये लोग क्या बकवास कर रहे थे तो अभी मैं बाहर खड़ी हूँ यहाँ नीचे जो होटल है और बहुत थक गए हम लोग कलर्स वगैरह उतरे नहीं और कल सुबह में फिर जल्दी उठ के जाना है और हमने कुछ खाया भी नहीं है जो हम खाना लाए थे वो सब खा चुके हैं और पल्लवी और मैंने कुछ भी नहीं खाया तो अभी 11:30 बज रहे हैं और 11:30 बज रहे हैं अभी रुको ही ना है मेरे को तो बात करने दो 11:30 बज रहे हैं अभी हम दोनों को कुछ खाने जाना है अभी हम देखते हैं और मम्मी और नानी के लिए चाय भी लेके आनी है ये भी ना ली भाई नहा तो ली भूख लग रही है शकल देख लो कितनी हम दोनों ने कुछ नहीं खाया बाकी सबने खा लिया सबने खा लिया हमें दो रह गए क्या खाऊं मुझे बहुत भूख लग रही है मैंने आधी रोटी खाई है तो मैं क्या एडजस्ट कर दूं मुझे वैसे ही भूख लग रही है के लिए सब कुछ रखा है खाने के लिए कुछ नहीं खा रही है पता है कुछ भी नहीं खा रही है लड़की गाइस पता है बस 3 रोटी रखी हुई थी वो भी इसकी बातें दुनिया से अपरंपार है हम यहाँ होटल के बाहर बैठे हैं हमने कुछ खाया नहीं है मैंने पल्लवी ने और इसको अब इस टाइम पे मैगी खानी है ये कह रही है मुझे मैगी खानी है तो गाइस किसी का मन करता है आपका भी तो मन करता होगा तो मन ही होता है ना ओ बेटे लड़की ने मौज कर दी अब हम सोने की तैयारी कर रहे हैं हम रूम में आ चुके हैं और हमने कुछ नहीं खाया एट द एंड पल्लवी ने तो थोड़ा बहुत खा लिया पूड़ी वगैरह मैंने नहीं खाया और बीच में मैं होली की क्लिप्स अटैच कर दूंगी जो वहाँ पे अपने होली खेली बहुत तो मम्मी का हालत बुरी हो रखी है सुबह मिलते हैं बाय।